नया क्या मिला इस बाइक में भैया? कि इसका जो प्राइस है उसका वैल्यू फॉर मनी वाली मोटरसाइकिल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल लुक से। तो फ्रंट में आप देखोगे तो कंप्लीट डिस्प्लेट, इसमें एलईडी हेडलाइट का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। एलईडी डीआरएल लाइट्स आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार इसमें लगा हुआ मिल जाने वाला है। जो पुरानी मॉडल आती थी वो इस प्रकार लगती थी, ये देख लो वहीं पे लगी हुई है आपको। इसमें ये देखो एलईडी इंडिकेटर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक मोटरसाइकिल को प्रीमियम क्लास बनाने में मदद करते हैं। और दूर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मोटरसाइकिल किस प्रकार लग रही है, ये बदलाव किस प्रकार आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ की और अपन लोग बात कर लेते हैं। वैसे यामाहा वालों ने अपनी FZS वर्जन 4.0 में बहुत सारा अपडेट दे दिया है भैया। तो फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, बायब्रेक के कैलिपर्स मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, पहले वाली जो यामाहा FZS वर्जन 3 आ रही है मार्केट में, इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही चीज़ यामाहा वालों ने किया है, ब्लू पेंटेड अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में जो टायर साइज आपको मिलता है दोस्तों, 100/80/17 का आपको फ्रंट में ट्यूबलेस टायर इसमें देखने को मिल जाता है। इंजन कवर कुछ इस प्रकार है आप देख सकते हैं। बैक में देखोगे तो 220 mm का आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है। मैं आपको की मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो चाबी कुछ इस प्रकार इस मोटरसाइकिल की आपको मिलती है। तीसरा जो मेन हाईलाइट है भैया, इसमें आपको मिलता है ये देखो मीटर, देखो कंप्लीट आपको डिजिटल फॉर्म में इसका मीटर देखने को मिल जाएगा। सेम लगेगा जैसे कि MT15 वाला मीटर आपको इसमें इंस्टॉल करके दिया गया है। इसमें आपको बैटरी परसेंटेज, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, और यहाँ पे आपको ये देखोगे तो आप ऐप इस यामाहा कनेक्ट ऐप के थ्रू इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको TCS कंट्रोल यानी ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वर्जन 3 जो FZS जो वर्जन 3 आती थी उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यामाहा वालों ने नहीं दिया था, बट जो ये नई मॉडल जो आप देख रहे हो ना यामाहा FZS वर्जन 4.0, इसमें आपको अब ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। बैक पोर्शन लुक देखो कंप्लीट, इसमें आपको LED आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसका ग्रेब हैंडल डस्टी ब्लैक फिनिश के साथ। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको 41 mm के आपको टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 150 cc कैटेगरी में देखा जाए तो भाई इसका कंपेयर करेंगे पल्सर 150 से तो भाई उससे डेफिनेटली ये सस्पेंशन आपको थोड़े मोटे देखने को मिलेंगे। बैक वाले सस्पेंशन में आपको दिखाता हूँ, ये देखो बैक में आपको 7-way एडजस्टेबल आपको मोनो सस्पेंशन बैक में लगा के दिए जा रहे हैं। एक सवाल जो पूरा भारत पूछता है, चाहे वो 4-wheeler हो, 2-wheeler हो या 3-wheeler हो, भैया देती कितनी है? तो ये मोटरसाइकिल का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 13 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। माइलेज की बात करें दोस्तों तो ये 150 cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल है और इसका जो माइलेज है वो आपको 50+ का माइलेज ही आपको देगी। बाकी जो माइलेज होता है वो आपके राइडिंग स्किल और बाइक के मेंटेनेंस पर भी डिपेंड करता है। FZS वर्जन 4.0 2023 का अपडेटेड मॉडल, दूसरे बगल में मैंने लगा रखा है भाई साहब ये ओल्ड मॉडल आप देख रहे हो, ये देखो FZS वर्जन 3.0, ये ओल्ड मॉडल आप मैंने दोनों को साइड बाय साइड लगा रखा है, क्योंकि जो ओल्ड मॉडल FZS वर्जन 3.0 आती थी उसमें आपको बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाले इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते थे, हेडलाइट सेटअप आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता था। डेमो मैंने दिखाई दिया है, बस जो छोटा सा कंपेरिजन है वो मैं कर देता हूँ। नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 5 मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, मैं दे दूँ ये रस्ता पास लाइट स्विच, हाई बीम लो बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न मैं सुनाना चाहूँ आप लोग को, सिंगल हॉर्न का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरे साइड में आपको इंजन किल का स्विच दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट का बटन, फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। बाइक स्टार्ट करके मैं आपको इंजन साउंड सुना देता हूँ, इंजन साउंड सुन लो। ओके ये कलर कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और जो लोग 150 cc की कैटेगरी की वैल्यू फॉर मनी वाली मोटरसाइकिल लेना चाह रहे थे तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप मुझे बता सकते हो, या नहीं तो अगर आप प्लान कर रहे हो 150 cc की मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह चाहिए और वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल जो होती है वो यामाहा आपको यहाँ पे FZS वर्जन 4.0 में दे रही है। चलिए अब थोड़ा सा डायमेंशन के ऊपर अपन लोग होमवर्क कर लेते हैं। इसका जो सीट है, जैसा स्प्लिट सीट नहीं आता है दोस्तों, सिंगल सीट आपको देखने को मिलेगा, 790 mm की इसकी सीट हाइट कंपनी ने दी है। और जो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और जो इसका जो व्हील बेस है 1330 mm का इसमें व्हील बेस दिया गया है। इसका जो कर्व वेट है वो आपको 135 kg का इसमें कर्व वेट दिया गया है। इसमें आपको मिल जाता है
149cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक एयर कूल BS6 आपको इसमें इंजन लगा के दिया जा रहा है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको इसमें मिलने वाली है 12.2 BHP का पावर मिलने वाला है 7,250 RPM पे, और जो मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन जनरेट करे वो है 13.3 Nm का टॉर्क इसका इंजन आपको जनरेट करके देगा 5,500 RPM पे। अब आते हैं भैया कि इसका जो प्राइस है उसका क्या, उसका डिस्कशन अपन लोग कर लेते हैं। जो यामाहा FZS वर्जन 4.0 है उसका जो पटना यति ऑटोमोबाइल शोरूम में इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है 153,509 रुपये। बाद बाकी जो ऑन रोड प्राइस है आपके डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ऑन रोड प्राइस देख सकते हो, या नहीं तो मैंने यति ऑटोमोबाइल पटना यामाहा शोरूम का सारा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है। यहां पे आप यामाहा स्कूटर और यामाहा मोटरसाइकिल संबंधित कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें इसी नोट पर करते हैं वीडियो को खत्म। आई होप आपको यामाहा की नई FZS वर्जन 4.0 पसंद आई हो, ये कलर पसंद आया हो, फीचर सारे पसंद आए हो इस मोटरसाइकिल के। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इस बाइक को इजाजत। लिव फ्री, राइड हार्ड एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।